जी, काफ़ी दिनों बाद जो है आज मैं लाइव जा रहा हूँ, और काफ़ी दिनों बाद समझ लीजिए कि मैं इतनी देर बात करूँगा तमाशे के बारे में। तमाशा जो अभी सीज़न 3 है उसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहते थे, और उसके बारे में बात करूँगा। पहले तो आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और अल्लाह पाक जो है, अरे यार आप लोग बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, सबको हाय हेलो सलाम, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। मैं आपको वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करूँगा, अगर मैं लेट रिप्लाई करूँ या ना दूँ तो दोबारा वो मैसेज प्लीज़ जो है टाइप कर दीजिएगा। अच्छा, पहले तो उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है मुझे वोट्स देते रहे और मुझे जो है इतनी अरसे तक तमाशा घर के अंदर रखा, तो उनके लिए स्पेशली बहुत 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 शुक्रिया। और दूसरे जो मुझे तनकीद करते रहे, जिनको, अच्छा तनकीद को तो ज़रा शायद ऐसा वर्ड हो जाएगा, उसको और सॉफ्ट करते हैं, ऐसे रहिएगा, एक वर्ड ऐसा करते हैं जिसके अंदर जो है जो लोग मुझसे खफा थे, जिनको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी, उनके लिए भी मैं आज आया हूँ, और उन तमाम लोगों से मैं दिल से माजर चाहता हूँ। अच्छा, ये रही मेरी वो प्रिंसेस जिनका जो है मैं आपको अक्सर अवकात जो है तमाशा में कहता था। ये मेरी बड़ी बेटी है, इनका नाम आयशा रुमान है। इनको आपने अक्सर देखा होगा, ये टीवी कमर्शियल्स में आती हैं, ओरियो कमर्शियल में, जो ओरियो नहीं पहले डिप करें, मेरी गुड़िया ही है, और इसके साथ जो है इनका एक ड्रामा भी चल रहा था ग्रीन टीवी पे। और दूसरी जो मेरी छोटी है, इनका नाम है सारा, और वो भी अभी जो है टहलती टहलती आ जाएंगी डैडी को ढूंढते ढूंढते। तो ये मेरी प्रिंसेस हैं जिनको मैंने बहुत मिस किया, और इन्होंने मुझे बहुत मिस किया, इन्होंने जो है ना मिस किया ना, इनकी आंखें मैंने वीडियोस देखी हैं। देखिए, अब आप सोचें कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये वो लोगों में सच, जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, कि अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ जाके जो है थोड़ा सा ड्रामा होता है, घर वालों से बात करने देते हैं, ये करने देते हैं, वो करने देते हैं, भाई कुछ भी नहीं होता। अपनों के चेहरे की, अपनों की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते हैं। अब सोचें, जब मैंने अपनी फैमिली से बात करनी थी लाइव वीडियो में, तो मैंने कितनी जो है जान लगा दी थी उस गेम के अंदर, जिसमें एक पाउंड पर खड़ा होना, उससे शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और साथ साथ बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। पहले तो मैं तमाशा के उन लोगों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगले 7 लोग जो फाइनल के अंदर जो है जाने के लिए तैयार हैं, आई थिंक आज तक 7 ही हैं, तो उनको बेस्ट विशेस। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं जब से आया हूँ मैंने कोई तमाशा का एपिसोड नहीं देखा, मैंने छोटी छोटी रील्स, छोटी छोटी सी कम, बहुत गिनती की देखी हैं, मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मैं थोड़ा सा जो है ना, मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि इतने अरसे जो है आप हर किसी दुनिया से दूर रहेंगे, किसी का चेहरा नहीं दिखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, और हर वक्त कैमरे के सामने रहेंगे, माइक के सामने रहेंगे, अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ होगी, वही सुबह और वो लूप्स पे ज़िंदगी नहीं होती। आपने अक्सर मूवी देखी होगी, उसमें लूप पे ज़िंदगी चलती है, वही सिचुएशन थी। तो मैं घर पर आया हूँ तो मेरा दिल और दिमाग मेरे अभी कंट्रोल में नहीं है, सच्ची बताऊँ तो वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। तो ये अगर मैं कहूँ कि तमाशा में जाने का जो है ना, इतने अरसे रहने का एक साइड इफ़ेक्ट भी है, जो मैंने काफ़ी और दूसरे कंटेस्टेंट से भी पूछा था कि उनके साथ भी ऐसा, और उन्होंने भी कहा बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन चंद दिनों की बात है, अपनी लाइफ को आप अपना टाइम देंगे तो ये आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो अब आते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत, ये लीजिए, ये हमारी दूसरी छोटी प्रिंसेस भी आ गई जिनका नाम ज़ारा है, जिनसे हम बात कर रहे थे। ये हमारे पीछे जो है आयशा है, और ये ज़ारा है। ज़ारा सलाम कीजिए, मैं नमस्ते, मैं कहूँ आज हमने इतनी छोटी छोटी जोर से बोलो ना, वालेकुम अस्सलाम। चलिए आयशा, आपका भी सलाम रह गया था, ये दोबारा सलाम कीजिए, वालेकुम अस्सलाम। देखें, जब मैं गया हूँ इसकी दांत आगे के दो टूट गए, ये 2 महीने के अंदर इस मैडम ने 2 दांत तोड़ लिए आगे के, एक पहले का टूटा हुआ था, 2 मेरे आने से पहले के होंगे, वो मेरे पास है और दूसरे मेरे पास। अच्छा, एक जो है मैडम ने संभाल के रखा है जी। हम बात करते हैं चंद उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने जो है मुझे मेरे जाने के बाद जो है मेरे लिए स्पेशली बहुत 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 मेरे सोशल मीडिया पे प्यार भेजा, जिसमें जो है इरफानिस्तान के इरफान है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जो है बहुत सी चीज़ें मेरे जाने के बाद मेरे सोशल मीडिया भी देखते रहे। और उसके बाद करते हैं लाइव स्ट्रीम, जो एक पेज है यूट्यूब का, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन लोगों ने भी जो है बहुत प्यार जो है से नवाजा मुझे। मैं तो था नहीं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी नहीं देखे, तो मेरी जो फैमिली है, जो मेरी भाभी है, उन लोगों ने थोड़ा सा मुझे गाइड किया, और जो टीम है उन्होंने मुझे बताया। सब लोगों के जो है मैसेजेस मैंने सुने, उन्होंने जब कहा कि भाई ये बिल्कुल उन्होंने किया है, तो जब सब जगह से नाम आए तो मेरी टीम ने जो है ओवरऑल मुझे उनका नाम दिया, तो उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, तो मैं सॉरी अभी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाऊँ, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, और फिर आप लोगों से इंशाल्लाह बात भी करूँगा। और दूसरे हैं अली सिकंदर। अली भाई कैसे हैं आप? अली भाई हमारे इंडस्ट्री के जो है नामवर एक्टर राइटर, और सीज़न 2 में भी थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी जो पेज बनाया हुआ है, मैंने अभी तक पेज नहीं देखा अली भाई, बहुत माजरत, लेकिन जो है मुझे बताया गया कि आप पेज जो है रन कर रहे हैं, और आप मेरी जो है बड़ी तारीफ़ें करते थे यार, तारीफ़ें ये सुन के मेरी ज़िंदगी में ना मतलब खुशियाँ हो गई। आ जाए शादी आ गया, बैठ जाए।
जी, और नुमान हबीब के नाम से जो फैन पेजेस बने हुए थे उन तमाम लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। अरे आप लोगों के मैसेजेस के मैं जवाब साथ साथ देता रहूँगा। जब मैं आपको बोलूँ ना आप मैसेजेस करना शुरू करें तब मैं आपके मैसेजेस पढ़ना शुरू करूँगा। और आते हैं आई थिंक गिल्ची थिंग्स है, गिल्ची थिंग्स का जो पेज है उन लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। उन्होंने भी जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत इज्जत बख्शी। अब आते हैं समथिंग हॉट के बारे में। समथिंग हॉट वालों ने भी जो है पेजेस में मेरे बारे में बहुत रिस्पेक्ट फुल जो वर्ड्स अदा किए, और कभी कभी थोड़ा बहुत सब लोगों ने किया, लेकिन कोई बात नहीं, जो उनको लगा उन्होंने बयान किया अपनी ज़ुबानी वो बिल्कुल ठीक था। मैं थोड़ा सा अपने लिहाज से बयान करूँगा। गैलेक्सी लॉलीवुड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी जो है मुझे बहुत इज्जत बख्शी थी, और बीच बीच में आपके चंद सवाल थे जिनसे मैं उनके बारे में बात करूँगा। तो आंटी आप लोग और ऐसे बहुत सारे लोग जिन लोगों को लग रहा था कि नुमान थोड़ा सा अजीब सा खेल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तबीयत के बारे में बताता हूँ, फिर इस टॉपिक पे आते हैं। भाई अल्लाह के हुक्म से मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, लेकिन बेहतर है ठीक नहीं है। मतलब मेरा ये प्रॉपर नाखून उतरा हुआ है और यहाँ तक स्किन पूरी उतरी हुई है, प्लास्टिक का कार्ड लग के बहुत बुरी हालत है, और मेरा यहाँ कहीं उंगली टच भी हो जाए कहीं पैकिंग के बाद भी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता हूँ, और यहाँ देखें फिर सूजन आ गया। ये वाला हाथ भी था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कटा नहीं था, लेकिन की बहुत बेहतर हो गया। लेकिन ये सिचुएशन मुझे हर एक दिन छोड़ के पट्टी करवानी पड़ती है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है, जब ये खुलता है तो मैं खुद डर जाता हूँ। अब करते हैं बात जी। अक्सर लोगों को जो है तमाशे के अंदर मेरी अपीयरेंस बहुत अच्छी लगी, जिन लोगों को बस नॉर्मल लगी, जिन लोगों को बुरी भी लगी। थोड़ा सा बात करते हैं तमाशा के बारे में। तमाशा क्या चीज़ है? तमाशा एक रियलिटी शो था जिसके अंदर गेम का एक छोटा सा पार्ट था जिससे आप सेव हो सकते हैं। अब ये बात समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैं दोबारा कर रहा हूँ। तमाशा क्या है? तमाशा एक रियलिटी शो है जिसके अंदर गेम का एलिमेंट डाला गया है जिससे आप सेव हो जाते हैं पूरे वीक में। तो आपको वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वरना अदरवाइज आप अगर नहीं जीतते पूरे वीक में जितने भी गेम्स होते हैं तो आपको वोटिंग के थ्रू जो है सेव होते हैं और इसी तरह फाइनल तक जाते हैं। अब अक्सर लोगों का ख्याल ये कहना था कि नुमान जो है गेम्स तो बहुत अच्छे खेले, भाई स्पोर्ट्स मैन हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, स्पोर्ट्स से प्यार करता हूँ, जुनूनी तौर पर करता हूँ, ये देख लीजिए। उसके बाद ये मेरी गुड़ियाओं के मैसेजेस आए थे कि डैडी जीत के आना, तो वो एक जज्बा जुनून और कैफियत ही दूसरी थी। मैडम भी जाएगी। अच्छा तो बात करते हैं तमाशा के बारे में, बात कर रहे थे तमाशा की कि मैं गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर, सॉरी घर के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। अब एक बात सोचिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात की कदर करता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो अक्सर लोग कहते हैं कि नुमान जो है घर के अंदर खेल सही नहीं रहे, घर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। देखिए सबसे पहले जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ये था एक रियलिटी शो वो होता है जो रियल आप हैं वही दिखेंगे, ठीक है। अगर मुंह नहीं धुला हुआ तो मुंह नहीं धुला हुआ, अगर आपके बाल बिखरे हुए उठे हैं तो आप बाल बिखरे हुए उठे हैं, आप किंगी करके नहीं उठेंगे। एग्जाम्पल मैं मतलब कि आपको पता है एक डांस कॉम्पिटिशन था नचले, उसका जो है सीजन वन का विनर भी था, उसके अलावा क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है अवार्ड सेरेमनीज वगैरह की जिसमें मैं डांस करता हूँ। डांस जो है मेरे अंदर एक फॉर्म जो है मुझे बड़ा दिल से करता हूँ, लेकिन आपने देखा वहाँ नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं जब सुबह उठता था तो सुबह सुबह मुझसे नहीं होता था डांस, नहीं होता था, दिल नहीं मानता था। कभी कभी थोड़ा बहुत कर लिया तो ठीक है, कभी किया मैं जल्दी, ऐसा नहीं है कि मैं गाने भी उठता था सुबह, तो जब मैं उठ कभी कभी मैं जल्दी भी उठ जाता था, और उस वक्त मैं रेस्ट रूम में होता था, रेस्ट रूम मतलब वॉशरूम में, जैसे ही गाना बजता तो वहाँ से बाहर आते थे, और अगर फील करता था तो मैं डांस कर लेता था। तो जब जब दिल किया मैंने किया, लेकिन हर रोज़ नहीं कर सकता था, सिर्फ कैमरा लेने के लिए कि मैं कैमरे में आ जा रहा हूँ। मैं ये बात सिर्फ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि चल लोगों को सवाल आते हैं उनको जवाब मिल जाए। जब जब मेरे दिल में किया मैं आया, और मैंने दिल से जो है वो किया, और शाम में जब दिल चाहता था कि डांस करना है तो हम रिक्वेस्ट करते थे बादशाह सलामत को गाना लगा दीजिए, बादशाह सलामत ने कभी कभी तो लगाई, लेकिन रोज़ तो नहीं बज सकता ना, उनका भी एक वो है। तो उसके बाद आते हैं गेम शो में लड़ाइयाँ किसी और की हो रही है, मैं बीच में कैमरा लेने के लिए खड़ा होता रहा कि भाई क्या हुआ, बस मुझे तो सिर्फ ये पूछना होगा ना उससे, क्या हुआ, अच्छा यार बहुत गलत हुआ, बस वो बस मेरी काफ़ी देर तक बातें चलती रहती हैं और वो मुझे स्क्रीन मिल जाती। लेकिन भाई मैं क्यों बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनूँ, मुझे नहीं बनना। मैं रियल लाइफ में भी किसी और के मसले में नहीं पड़ता, अगर कोई हेल्प मांगता है तो उसकी बेहतरी के लिए हेल्प करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की लड़ाई भी हो रही है उनसे हेल्प मांगी है तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी लड़ाई को ख़त्म कराऊँ, ना कि मैं उसका साथी बन जाऊँ, भाई तू लड़ मैं पीछे खड़ा हूँ। यार ये इंसानियत के खिलाफ है, मुझे लगता है कि इंसानियत के खिलाफ है। अगर आपका कोई दोस्त लड़ने जा रहा है वो ठीक है, मैं मानता हूँ उन लोग रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी दोस्ती की मज़े की होती है, भाई क्या यार कहाँ हो आ जाओ, मुझे तुम्हारे भाई को प्रॉब्लम है, सारे दोस्त पहुँच जाते हैं लड़ने के लिए, उनकी भी मैं कदर करता हूँ। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो मैं बात करूँगा कि नहीं होता भाई, मैं चाहूँगा कि उसकी लड़ाई ख़त्म हो जाए, ना दिल से नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाए। ऊपर वाले को भी जवाब देना है भाई, जवाब तो आपके मुंह से अगर कोई गलत वर्ड निकल जाए, कोई ऐसा चीज़ हो जाए जो सामने वाले की तकलीफ हो, उसकी फैमिली को तकलीफ हो, तो यार ऊपर वाला तो खुश नहीं होगा। तो ये थॉट है मेरी। अच्छा बातें दूसरी चीज़ें कि मैं चुपचाप रहता था
वहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल मैं रहता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि अब देखिए मैं आपके साथ में लाइव हूँ ना, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी चुप होकर बैठ जाऊँ तो आप तो बोलेंगे कुछ कर ही नहीं रहे। तो मैं लाइव आई इसलिए कि आप लोग जवाब दे सकूँ। रियल लाइफ में जो मुझे जानते हैं या कहीं पर हूँ तो मैं ऐसे ही हूँ भाई, मैं कम बात करता हूँ, कम अल्फाज अदा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरी करीब जो है एक बाउंड्री लाइन जो है खींची रहे कि हर बंदा उसको क्रॉस ना करे, क्योंकि इज्जत बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं जो है इज्जत देना जानता हूँ, इज्जत मैं चाहता हूँ कि मेरी भी वैसे ही। तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी से मजाक होना अच्छी बात है, किसी के चेहरे में स्माइल आए तो अच्छा लगता है, लेकिन किसी के चेहरे में मेरी वजह से आंसू आ जाए, नाराज़गी हो जाए, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, बात करता हूँ कि मैं चंद लोगों से मेरी थोड़ी सी नाराज़गी हुई थी, और वो मैं आपने देखा चंद दिनों में ख़त्म हो गई थी। शुरू में वजिया से एक छोटी सी बात पे हुई थी, वो भी उसने आके मुझसे सॉरी किया, उसका बड़ा पन था, वो आई तो मैंने भी उससे सॉरी किया, हमने बात ख़त्म कर दी। एज इंसान यही होता है कि कभी आपको कोई चीज़ बुरी लग गई हो या इत्तफाक से हो गई हो तो उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए, आपकी ज़िंदगी आगे अच्छी गुजरे। और बहुत अच्छी बंदी है वजिया, अल्लाह पाक उसको जो है सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और उसके बाद जो है एक दफ़ा मेरी, वैसे तो मेरी गिनती की हुई है नाम की ही, कभी मैंने जो है अनम को जो है छेड़ दिया। अच्छा, ये होता ये था कि हम लोग ना चौबीस आप दो तरह की हमारी जेंट्री हुई, एक जेंट्री को जिन्होंने एपिसोड देखा होगा एक घंटे वाला या डेढ़ घंटे का, जितना मैंने अभी तक एक एपिसोड नहीं देखा सोचे, और एक जिन्होंने अनकट वर्जन पूरा देखा। देखिए बहुत डिफरेंस होगा दोनों में, याद रखिएगा उनकी सोच में, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट में दिखाया जा रहा है और यहाँ फुल है, तो कभी कभी हमारे सोचने का नज़रिए की वजह से शॉर्ट जो है मतलब भी कभी चेंज हो जाता है, कभी कोई चीज़ समझ में ना आ रही तो उसी का फुल कट वर्जन भी जाके नेट पर आई थिंक यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो जिनको लगा कि नुमान हबीब ने जो है गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, गेम्स मारा घर के अंदर और इंटरटेनमेंट नहीं थी, तो उनसे मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत दिल से माजरत चाहता हूँ। पर जो है मैं 24 घंटे इंटरटेनमेंट नहीं दे सकता, मतलब मैं भी एक इंसान हूँ। अच्छा, अब बात करता हूँ कि बहुत से लोग करते हैं, उनकी नेचर होती है, नेचर भी होती है ना, चंद लोगों को झुकते मारने की नेचर होती है, चंद लोगों को मजाक करने की नेचर होती है, चंद लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, मैं जल्दी घुल मिलता नहीं, बहुत कम बात करता हूँ, मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी ऐसी है। पर मैं ये जो है जरूर कहूँगा, शुरू में सिर्फ आया था कि बस आज चले जाता हूँ, और मेरे एक वो था कि पैसे कमाने थे भाई बच्चियों के लिए, उनकी तालीम के लिए मैं पहुँच कराना था, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मैं बस अपने आप को चोटें ना लगी, क्योंकि चंद से पहले मुझे जो है मेरा ऑपरेशन हुआ था नी का, जिसके अंदर जो है मेरे 2 साल बड़ी ज़िंदगी के जीत गए, तो मैं डरता हूँ कि चोटें ऐसी ना लगें। देखें अभी लगी है मुझे, इसका फिर डर है कि खुदा ना खासा नाखून ना आया तो फिर मेरा, आप सोचें कोई एक्टिंग करते हुए नाखून बार बार दिखेगा फिल्म में या कहीं पर, तो लोग मुझे अक्सर इसकी वजह से कास्टिंग करेंगे, तो ये मैं इंजरी से डरता इस वजह से था। फिर बेटियों का मैसेज आया कि भाई डैडी जीत के आइएगा, बस वो बाप हूँ भाई, बाप हूँ और बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बेतहाशा प्यार करते हैं, वो बात अड़ गई, बस अड़ गई तो फिर अड़ गई। पर लेकिन आप कहेंगे कि उसके बावजूद हमने घर में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैं ये कह सकता हूँ मैं क्या करता, रियलिटी शो के अंदर भी अगर मैं एक्टिंग करता रहता बिला वजह के, ऊटपटांग हरकते करता रहता जो मेरी ज़ात नहीं है, तो फिर वो रियलिटी शो नहीं रहता। अगर वो देखिए, अगर ये रियलिटी शो ना होता ना, तमाशा होता जिसमें एक मुझे करेक्टर दे देते, कोई भी ABCD करेक्टर, सलीम वलीम कुछ भी, मैं रोज़ इंटरटेनमेंट देता हूँ, क्योंकि वो करेक्टर है, वो नुमान हबीब नहीं है। जब रियलिटी शो है तो नुमान हबीब जो है वो नुमान हबीब ही है, वो नुमान हबीब जो है वो जो आपके सामने आया ना वही नुमान हबीब है, वो बोर था कहते बिल्कुल ऐसा था, वो नुमान हबीब वही है, फैमिली ओरिएंटेड है भाई, मैं दोस्तों में भी बहुत मैं बैठता हूँ, बहुत गिनती की या कहीं चला, बहुत कम चला कि मेरी लाइफ में मैं जो है बहुत कम कर दिया था पहले, अब नहीं। मैं जो है अपनी बेटियों के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ, माँ के साथ बैठना पसंद करता हूँ, बीवी के साथ बैठना पसंद करता हूँ, उनके साथ बातें करता रहता हूँ, ये मेरी लाइफ है। तो जिन लोगों को ऐसा हुआ मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी हो, और बहुत सारे पेजेज हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, मैं वक्त के साथ साथ जो है मेरी टीम जैसे जैसे चीज़ें देती रहती हूँ उन लोगों से भी उनका भी शुक्रिया अदा करता रहूँगा। लेकिन वैसे ही आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी, और आप अच्छा चंद लोगों ने जिन्होंने मुझे मेरे लिए लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर फाइट भी की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे बहुत सारे वोट्स किए, खुद भी किए, अपनी फैमिली से भी कराए, अपने मोहल्ले से भी कराए, अपने दोस्तों से भी कराए, अपने कज़नों से भी कराए, अपने अंकल आंटी से भी कराए, अपने अम्मी अबू के मोबाइल से भी किया, ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं। मैं समझ सकता हूँ कि एक एक मिनट एक इंसान का कितना कीमती होता है, उसके अंदर आपने मेरे लिए वोट किए, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझसे नाराज़ हुए मेरी किसी भी जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हुई उससे, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों से सॉरी करता हूँ। उन लोगों से जिनको मेरी कोई बात बुरी लगी हो मैं बहुत 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 माफ़ी चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ। मैं कोई एक्टिंग कुछ नहीं करा, करना होता तो मैं तमाशा में कर लेता, तो मैं आपसे दिल से जो है बहुत माफ़ी चाहता हूँ।
अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे। बस जिस तरह का प्यार आप लोगों का मुझसे दोबारा जुड़ गया है, प्लीज़ वैसे ही रखिएगा। आप लोगों को प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के अच्छे नसीब के लिए दुआ कीजिएगा, और जो है हम लोग सब खुश रहें और इसी तरह मैं तरक्की करता रहूँ। दुआ ज़रूर कीजिएगा सारे जो लोगों से जो देख रहे हैं और जिन दिन तक ये वीडियो जाएगी तमाम लोगों के लिए। चले अब आता हूँ थोड़े मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। अलीज़े कहती हैं वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग। सॉरी अलीज़े, मैंने शुरू में बताया था कि मैं थोड़े से मैसेज के बाद जब आऊँगा फिर आप लोगों के मैसेजेस के जवाब दूँगा, इसलिए अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के जवाब देने के लिए। अच्छा अलीज़े भी साथ साथ मैसेजेस करे जा रही हैं। अलीज़े थैंक यू सो मच। और ये कनी अच्छा नुमान भाई सलाम जो है, क्या नाम है, कनीज़ 8544। ओके, उसके साथ जो है बहुत सारे जो है, राबिया सिद्दीकी कह रही हैं आपकी बेटियां बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। बस ये बेटियों के नसीब के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, अच्छे नसीब के लिए। बेस्ट विशेज़ कह रहे हैं स्टाइल बाय इरम, ओ माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ जो है अल्लाह आपको सेहत दे, इनका नाम है नसीर, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा मेरी बेटी का नाम है, मैंने अपने टेस्ट छोड़कर सिर्फ आपके लिए टाइम निकाला है, यू आर माई फेवरेट। अरे यार आयशा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन टेस्ट देना भी ज़रूरी है ना, देखिए आपका आपका रिस्पेक्ट मेरे दिल में जो है बहुत बढ़ गई है। लेकिन वालदैन देखें कितनी मुश्किलों से फीसेस जमा कराते हैं, टेस्ट होते हैं तो वो वेट करते हैं। तो चलें पहली बार था आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपने वालदैन का सबसे पहले आपका ख्याल करना है, उसके बाद मुझे जो है ना, मुझे आपने ये बात कही थी मेरे यही कैफी काफ़ी होती है। मैं बड़ा सादा इंसान हूँ, मैं कोई वो नहीं की मेरी तारीफें हों तारीफें हों तो मैं खुश हूँगा, मैं बड़ा सादा इंसान, मैं आपकी जो है जज्बाती कदर करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आते हैं नूर सहर कह रही हैं ला पाक आपको सेहत दे, बहुत बहुत शुक्रिया। और के कनीस कह रही हैं कि यू प्लेड वेरी वेल, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अब वॉल सिक्स लिखा हुआ है, हाय। अब ऐसे ऐसे नाम रखेंगे तो दोस्त में आप अपना नाम भी साथ साथ ना मैसेज से पहले टाइप कर दें ताकि मैं अपना नाम पढ़ता रहूँ। इट्स क्या लिखा है समिया, अच्छा समिया फैटी लिखा है, लिखा है समिया फातमा होगा। वन वर्ड फॉर अरसलान, अरसलान एक बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मैं इसको भी कहूँगा कि वो भी कम गो है और उसकी आदतें मेरी आदतें बहुत एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, मुझसे भी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, मैं भी कभी कभी गुस्सा ऐसा हो जाता हूँ, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। और मुझे लगता है कि अरसलान ने बहुत अच्छा वो जो है एंटरटेन किया और वो जितना कोशिश कर रहा है बहुत अच्छी कर रहा है, क्योंकि वो भी जो है बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, कम बात करने वाला है, लेकिन उसने इंटरटेनमेंट साथ साथ रखा, कभी डांस में किल के साथ लगा रहता है, कभी कुछ करता रहता है, तो ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी मुझे लगती है। और अल्लाह पाक उसको बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे। और हमारी जो कुली हिला के जो हस्बैंड भी हैं और माशाल्लाह खुद भी एक्टर हैं, दोनों के लिए मेरी दुआएं हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं जी। आगे चलते हैं। अच्छा कभी मैं कोई जवाब मैसेज का नहीं दूँ, दोबारा वही मैसेज कर दिया करें, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, नीचे से नीचे चला जा रहा है भाई, स्लो स्लो स्लो। अच्छा 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 क्या था, आयशा ज़ारा आसमा भाभी और अम्मी क्या हाल है, फैन गर्ल कह रही है बिल्कुल सब ठीक है। और उसके अलावा चलते हैं, अरे भैया आपके प्यार इतने सारे मैसेजेज आ रहे हैं भाई, भाई ऐसा ऐसा मैं कैसे जवाब दूँ, भाई मैं बहुत कम समझता हूँ किस तरह मैसेजेस देने, रुकेंगे कैसे, अरे हाथ से पकड़ने से भी नहीं रुक रहा है। अब आप बताएं मैं कैसे जवाब दूँ, टक 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 चल रहा है, मैंने शायद का फिंगर रख दूँ तो शायद रुक जाए मैं जवाब दूँ। अच्छा हानिया कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हुसैन कह रहे हैं प्लीज़ मेरे नाम ले लीजिए, क्या लेने यार, एक तो ये जो इतने छोटी छोटी सी फाउंड्स आ रही है ना उसके अंदर ही प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा उनको फॉलो कीजिए प्लीज़, तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। हुसैन जो है कह रहे हैं, अच्छा उसके अलावा जो है भाई मुझे, मैं आप तमाम लोगों से माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आप लोगों, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने प्यारे भरे मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं पढ़ नहीं पा रहा, वो ठक 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 करके निकल रहे हैं भाई, मैं कैसे जवाब दूँ। अच्छा चलें करते हैं कुछ, अनीक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और आयशा अरी हुरैन कह रही हैं हाय। अच्छा आप भी बोले थे लड़कियों के मैसेजेस पढ़ रहे हैं, अरे लड़कियों की नज़र आ रहे हैं। जमीश का मैसेज आया अपने नाम का, थैंक यू, क्या हाल है आपकी जमीश। उनके अलावा जो है ओह वाह
आपके जो है तमाशा में फेवरेट कौन है? देखिए तमाशा में मेरे फेवरेट तो बादशाह सलामत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटोर हैं, मुझे कई सालों से डांटनी पड़ी थी, उन्होंने इतना डांटा मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मेरे फेवरेट हैं और मेरी जान है। और पार्टिसिपेट की बात करेंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर जो है बहुत सब अच्छा खेल रहे हैं सब, मैं सबको बेस्ट विशेज कहता हूँ, लेकिन किसी एक का नाम लूँगा ना ये अच्छा नहीं, सामने वाला नाराज़ हो जाता है, क्योंकि हमने सब ने जो है बहुत मेहनत की, मैं जो तो छोड़ ही दिया, मैं तो किसी लाइन में नहीं आता, लेकिन सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब 7 लोग फाइनल में गए, आप सोचे 7 लोग अगर फाइनल में जाते हैं, उनमें से एक जीता है तो 6 लोग, अब अफसुर्दगी तो होगी,